الحمد لله يا رب العالمين بارئ الخلائق يجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الامجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا ابي القاسم محمد المصطفى وإهل بيته الأتيبين الأتهرين الأنجبين المرثومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولأنت الله على أردائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم من يوم رداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات بجي محمد وآل محمد इमामत के दो रुकन हैं रुकन अव्वल विलायत है जो मुसलसल साल गुजशतः आपकी ख़िदमत में बयान किया गया और रुकन दो हम है कि जिसे बयान किया जा रहा है ये हिदायत क्या है इसके बाद पहलू आने वाले दिनों में बयान किए जाएंगे और इसकी जो अकसाम है और इसके मसादी क़रआन को भी परवरदिगार ने हिदायत कहा है हादी है कुरान और मासूमीन मासूमी आसलम भी हादी हैं इनमें क्या फ़र्क है दोनों का अंदाज़ हिदायत और दोनों किन मानों में हादी हैं कुरान की हिदायत कैसे है और कुरान कहाँ तक हिदायत करता है मासूमी की हिदायत कि रवेष और उसलूब और अंदाज़ क्या है और ये कहाँ तक हिदायत करते हैं एक सलावाद पढ़िए ख़ानदान सै इस आयत को हिदायत से मुतालिक बहुत सारी आयात हैं कुरानी मजीद में लेकिन इस आयत को बतौर ख़ास सैद जहरा अलैहा ने ख़लीफ़ा के दरबार में तिलावत फ़रमाया बस इसकी ख़ास हमत है इस आयत में इस नुक्ते को बयान किया जा रहा है कि हादी को महदी होना चाहिए मोहतदी कभी भी हादी नहीं बन सकता ये तीन अलग अलग लफ्ज हैं एक लफ्ज है हादी एक है महदी एक है मोहतदी तीनों लफ्ज हिदायत से माखूज हैं लफ्ज हिदायत से मुश्तक हैं माना तीनों का अलग अलग है हादी यानी हिदायत करने वाला महदी यानी हिदायत जाफ्ता जो हिदायत पा चुका हो और मोहतदी तो के जो अभी हिदायत हासिल कर रहा है मोहताज हिदायत है अभी तक उसने हिदायत नहीं पाई इस आयत में ये कहा जा रहा है कि हादी को महदी होना चाहिए खुद हिदायत जाफ्ता होना हि� चाहिए मोहतदी कभी भी हादी नहीं बन सकता और हादी को रोजे अव्वल से महदी होना चाहिए ऐसे ना हो कि वो पहले मोहतदी हो और फिर बाद में महदी बने ताकि हादी बन जाए ऐसे नहीं हो सकता रोजे अव्वल से तब वो कयामत तक आने वाली बशरियत की इमामत की सलाहियत रखता है जब उसकी हिदायत रोजे अव्वल से बेमान बारिस तरीन शक्ल में मौजूद हो ऐसा ना हो कि कुछ मराहल तय करने के बाद एक वक्त तक वो मोहतदी रहा हो फिर वो महदी बना हो और अब हादी बने ऐसा नहीं है रोजे अव्वल से पहले मरहले से उसको महदी होना चाहिए ताकि हादी बने और जब हादी बनेगा फिर इमाम बन सकता है रोजे अव्वल से हादी होना चाहिए महादी होना चाहिए यही वजह है ये फजाइल फजाइल नहीं है कि ऐसे हुआ और ऐसे हुआ ना इस्लाम एहसास जज्बात और अवातिफ से बालतर है इस्लाम दीन अक्ल है दीन मारिफत है दीन हकमत है दीन बसीरत है हुक्म खुदा भी से खाली नहीं है अमल परवरदिगार भी हिकमत से खाली नहीं है अमल मासूम भी हमत से खाली नहीं है ऐसा नहीं है कि महज एक ये सिर्फ और सिर्फ फजीलत का पहलू है ना ये इसी नुकते को बयान किया जा रहा है क्या हादी को महदी होना चाहिए मोहतदी हादी नहीं बन सकता और ये महादी पहले मरहले में हो बाद में ना हो यही वजह है कि जब पैगम्बर गिरामी इस्लाम तशरीफ ले पे तो ये कहा कि क्या सुनना चाहते हैं आज हम आपको तोरात सुनाए इंजील सुनाए जबूर सुनाए कुरान सुनाए ये क्यों कहा अली अपने भी तालिब ने किस लिए कहा इसलिए कि बता रहे कि मैं महदी हूं मैं हिदायत जाफ्ता हूं इसलिए हादी हूं इसलिए मैं हिदायत करूंगा बशरीत की इमाम बना के भेजा गया ये अपनी इमामत का भी ऐलान है इमामत का ऐलान है हर हर मासूम रोज अव्वल से महदी है इसलिए हादी है ये मौला मुतिया ने मैं अर्ज करूं कि फजाइल बरए फजाइल नहीं ये है मासूमीन ऐसा नहीं कि वो जज्बात की बुनियाद पर जो इस अंदाज से फजाइल की तबसीर करेगा वो मासूमीन के ऊपर सितम करेगा ना एहसास नहीं है जज्बात नहीं है ये अकेले मोहब्बतें हैं और ये अकेले अंदाज है किसी पैगाम का अबलाक मतलूब है पैगंबर ग्रामी इस्लाम फराज मेबर पर सुहाबे किराम नीचे बैठे हैं फर्श पर और पैगंबर शरीयत के मसाइल को बयान कर रहे हैं और आपके फरजंद आपके नवासे हसन मुशतबा इस महफिल में मौजूद हैं शरीक हैं तमाम सुहाबे किराम हैं पैगंबर दर्श दे रहे हैं और हसन मुशतबा भी शरीक हैं सब कमाल महावियत से गौर से सुन रहे हैं पैगंबर का बयान लेकिन हसन मुशतबा बजाय ऐसे कि पैगंबर की तरफ देखें आसमान की तरफ देख रहे हैं मुसलसल आसमान की तरफ देखे जा रहे बिल आखिर वो साहब के जो इमाम हसन मुश्तबा के बिल्कुल करीब में बैठे थे देखते रहे कि क्या कर रहे हैं और जब उनका पैमाने सब लबरेज हुआ तो एक मरतबा इमाम को मुतवजे किया कहा कि ठीक है आप फर्जंद हैं पैगंबर के आप नवासे हैं लेकिन ये बेअदबी है कि पैगंबर शरीयत के मसाइल को बयान करें और आप पैगंबर की तरफ देखने के बजाय उनका कलाम सुनने के बजाय आसमान की तरफ देखें हसन मुशतबा मुतवजे हुए इस शख्स की तरफ के जवाब दें और इससे पहले कि हसन मुशतबा इसे जवाब दें खुद पैगंबर ग्रामी इस्लाम जो फराज मिंबर से ये सारी सूरत हाल मुशाह कर रहे थे वहीं पर अपना खुतबा रोक दिया और अपने सुहाबी से मुखातिब हुए और कहा कि हसन मुशतबा को छोड़ दो तुम सुनो मेरी बातें तुम्हें मेरी बातों की जरूरत है हसन मुश्तबा तो इन महफूज सन मुशतबा तो लोहे महफूज को मुलाहजा कर रहा है और अजीब लफ्ज़ इस्तेमाल किया पैगंबर ने यह भी कह सकते थे मुशतबा लोहे महफूज का मुताला कर रहा है जमीन पर बैठ कर लोहे महफूज का मुताला करना बजाय खुद बहुत बड़ा शरफ है लेकिन पैगंबर ने लफ्ज मुता इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज़ मुलाहजा इस्तेमाल किया है बहुत फर्क है इन दो ताबीरों में बहुत फर्क है अगर मुताला कह देते तो इम्कान था कि पेम्बर कह रहे हो कि यह मुहतदी है हिदायत हासिल कर रहा है मुताला ये नहीं फरमाया बल्कि फरमाया मुलाहज़ा। मुता किस लिए होता है और मुलाहजा किस लिए होता है जब आप किसी किताब का मुताला करते हैं तो क्यों मुताला करते हैं गरज मुताला क्या है इस्तेफादा का का इस्तेफादा, फायदे का हुसूल, ये मकसद, ये मकसद है, है कि आप इल्म करें एक किताब आपके पास पड़ी है आप मुताला करेंगे कब तक जब जब तक इससे आपको इस्तेफादा हो और जब उस किताब का सारा इल्म आपके पास आ जाए और कुछ भी ना बचे उस किताब में।, में अब भी मुताला करेंगे या दूसरी किताब उठाएंगे मुताला कब किया जाता है गरज क्या है फायदे का हुसूल इस्तेफादा ताकि इल हासिल हो जाए मारिफत हासिल हो जाए यह मुताला है और मुलाजा क्या है कि वह इलम आपके पास पहले से है आपके सीने में मौजूद है आपके दिलो दमाग में मौजूद है वो मालूम और अब आप किताब में देखते हैं चेक करते हैं कि जो मालूम मेरे जहन में है आया इस किताब में बेनी वही लिखा हो या कुछ फर्क है तुम तो मुताला इस्तफे के लिए होता है और मुलाहजा इस्ते के लिए नहीं होता बल्कि तस्दीक और तयद के लिए होता है कि जो इल मेरे पास है क्या यहां भी यही लिखा हुआ है तो पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि हसन मुशतबा लोहे महफूज का मुताला कर रहे हैं फरमाया मुलाहजा कर रहे हैं यानी अल्लाह ने यह सारा इम दे के भेजा है जो लोहे महफूज में है वो हसन मुशतबा के सीने में महफूज है ये महदी है और अब हसन मुशतबा जो लोहे महफूज को देख रहा है इसलिए देख रहा है मुताले के लिए नहीं इस्ते के लिए नहीं मलूम के हसूल के लिए नहीं बल्कि इसलिए देख रहा है कि जो मेरे पास है और जो वहां लिखा हुआ है इनमें मुताबकत और हम आहंगी है या हम आहंगी नहीं है एक सलाबात पढ़िए खानदान है फातिमा पर आपने भेजा तरद किया मोमिन को सहमत दी जब जनाब सरफराज इतने बुलंद आवाज में नारे लगवा चुके हैं तो इनमें इतनी ताकत कहाँ बची है कि आप ये वैसा नारा लगाए कि जैसे नारे लगने चाहिए है तो मुताला या वो नारा पंजाब से था और ये नारा कुहाट से अब एक सलावाद पड़िए खानदान से अदा मुहम्मद आपने नारा लगा के तस्दीक कर दी आपके दिलों ने शहादत दी लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अफराद मौजूद थे पैगंबर की जब ये बात सुनी उन्होंने कबूल कर लिया हो ये मामूली बात नहीं है बहुत बड़ी बात है इसको तहमुल करना इसको बर्दाश्त करना इसको समझना कबूल करना बड़ी फजीलत है एक बच्चे एक के बच्चे लिए यह कह दिया जाए कि यह लोहे महफूज को मुलाहजा कर रहे हैं वो फसा तो बलागत के हमल थे अरब समझते थे की दिक्कतों को समझते थे थे ज़ुबान की दिक्क़तों को इसलिए हैरत में डूब गए परेशानी में डूब गए कि यह क्या बात हुई पैगंबर ने आज ये क्या कह दिया और पैगंबर ने भी इस कैफियत को भांप लिया इसलिए जरूरी समझा कि इनकी शक की कैफियत को दूर किया जाए और इन्हें बता दिया जाए कि वाक जो मैंने कहा है उसमें जर्रा बराबर तजब्ज और तश्कीह की गुंजाइश नहीं है इसलिए कल तो पिछले दिन हसन मुश्तबा जमीन पर बैठे थे और आज अपने साथ दोबारा मेंबर पे ले गए गोद में बिठा लिया और अब पढ़ाना शुरू कर दिया ये इसको ज़ाहरी मोहब्बत पे मामूल ना कीजिए इसकी एहसासी तो नहीं हो सकती क्यों किया हादी है।, है और मेंबर पे कोई अपने बच्चों को उठा के गोद में बैठ जाए तो आप क्या ख्याल करेंगे यहां कोई खतीब आए और अपना बच्चा, बच्चा ले, आए। ले आए और साथ बच्चे, बच्चे को गोद बच्चे बच्चे में बैठा के खुतबा देना शुरू कर दे क्या सोचेंगे आप अजीब काम किया मेंबर ने एक दिन पहले नीचे बैठे थे और ये सारा वाकया हुआ और दूसरे दिन साथ ले गए गोद में बिठा लिया और अब गोद में बिठा के पढ़ा रहे हैं और वो उसी कैफियत में पैगंबर खुतबा दे रहे हैं और वो पिछले दिन की सारी बातों को सोच रहे हैं और जब जब हसन के चेहरे पे निगाह पड़ रही चूंकि सामने बैठे हैं बराबर उसी फिक्र में कि कल पैगंबर ने क्या कहा था उसी हैरत और सरगर्दानी और तहयर की कैफियत में है किसी दौरान में कोई शख्स दाखिल हुआ मस्जिद में महजर है पैगंबर ग्रामी इस्लाम में और आकर सलाम किया और जैसे ही वो शख्स बारिद हुआ वो इतना मोहतरम था इतना मुज्जस था कि पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने अपना बयान छोड़ दिया खड़े हुए आगे बढ़े और मुसाफा किया मुआनका किया किया और उसके बाद उनकी आमद की वजह पूछी का कैसे तशरीफ लाए का हसबे सबक इस्तेफादे के लिए आया हूँ कुछ सवाल है मेरे अब देखिए कि क्या हो रहा है <स्थागा> तो, तो पैगंबर ने फरमाया कि ठीक है आप अगर इस्तेफादे के लिए आए तो मेरी ख्वाहिश यह है कि आज आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं बजाय इससे कि मुझसे पूछें हमारे बेटे हमारे फर्जंद हसन मुश्तबा से पूछ लें का जैसे आप मुनासिब ख्याल करते हैं वो बुजुर्ग आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हसन मुश्तबा को गोद में लिया उठा के ले गए मस्जिद के एक गोशे में कि इधर रहा है और वहां चल के मैं सवाल पूछूंगा सामने बैठा दिया खुद खुदब होकर होकर बैठ गए आरिफ थे, समझते थे कि उस्ताद और 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 मासूम हादी और इमाम के सामने कैसे बैठा जाता है बैठ गए और सवाल का सिलसिला शुरू हुआ सवाल पूछने शुरू किए और जब मुसलसल सवाल पूछते रहे जवाब लेते रहे और इधर आप हैरत बने हो कि नहीं पैगंबर ने क्या काम किया और अब वो जो क्या पूछ रहे हैं और पता नहीं जवाब दे पा रहे नहीं दे पा रहे हालत इंतजार में कि अभी क्या होता है वो आएंगे तो क्या कहेंगे पैगंबर से और काफी वक्त गुजरने के बाद उन बुजुर्गवार ने इमाम हसन मुश्तबा को उठाया पैगम्बर के पास आए हसन मुश्तबा को पैगम्बर की तहवील में दिया कहा यह आपके फर्जंद है और पैगम्बर ने अब उन लोगों के लिए के जो बैठे हुए थे और तहयर की कैफियत में थे तो पूछा आने वाले से कि बताइए कुछ इस्तेफादा हुआ आपको कुछ तशफी हुई आपको आपके सवालों के जवाब मिले का या रसूल अल्लाह वल्लाह जर्रा बराबर फर्क महसूस नहीं किया आपके अंदाज में और आपके फर्जंद के अंदाज में <स्थिया थाँगे थाँगे। <स्थिया थाँगे 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 था� जैसे आपके तो आप अंदाज से मुझे तशफी होती है तसली होती है इतमीन होता है मुतमिन हो जाता हूँ, बेई ही आपके फर्जन तो के, तो के अंदाज तो तो से शुक्रिया अदा किया और तो वो बुजुर्गवार जैसे तो ही वो गए अब वो अफराद के जो महाजर है रिसालत में बैठे हुए सरापा हैरत बने हुए थे एक फर्ज ने जोरत की पेम्बर से इस्तरसार किया कहा हु बताइए ये आने वाला कौन था मदीने का तो नहीं था कि हम पहचान लेते और इतना मोहतरम था कि आप उसके एहतराम के लिए खड़े हुए किया, मुसाफा किया मुआनका किया, कौन था ये आने वाला कहा ये ये आने वाले जनाब खिजर थे? ये खिजर कौन है? खिजर की शख्सियत को समझा जाए ताकि मकाम हिदायत रोशन हो जाए पता चल जाए कि महादी कौन है और ये भी पता चल जाए कि हादी कौन है खिजर कौन है मूसा पांच उलिल अजम अंबिया में से एक हैं और यही मूसा जब इन्हें नबूवत मिल चुकी है रिसालत मिल चुकी है शरीयत मिल चुकी है तौरात मिल चुकी है अब फिर हाथ उठा दिए दुआ के लिए इल्म की ख्वाहिश है राजी नहीं हो रहे कि बस ख्वाहिश है ज्यादा मिल जाए ज्यादा से ज्यादा मिले तो अब यहां पर एक नुकता है लेकिन उसको बयान नहीं करूंगा अगर उसकी तरफ चल पड़ा तो फिर शायद हम ये बात भी बीच में रह जाएगी तो अब ज्यादा इल्म की जब ख्वाहिश की परवरदिगार से नबूवत और रिसालत और शरीयत और तौरात मिल चुकी सब अता हो चुका मजीद जब ख्वाहिश की तो कहा कि ठीक है अगर ज्यादा इल्म चाहते हैं तो चले जाए फुलाम मकाम पर यह पंद्रवें पारे का आखिरी हिसाब मुताला कर लें और सोलहवें पारे का आगाज जहां से हो रहे सारी तफसर मौजूद है वहां चले जाए और जाकर उनसे सीखिए ये गए और उन्हें क्या शर्त रखी हमुल करना है बर्दाश्त करना है सब्र करना है और अगर आप सब्र ना कर सके तो मैं आपको नहीं साथ लेके चलूंगा नहीं सिखाऊंगा क्यों कहा जनाबे ने कि तहमुल रखिएगा और सब्र रखिएगा इसलिए कि दो आलिम एक साथ चल सकते हैं आलिम और आलम एक साथ नहीं चल सकते बहुत मुश्किल हो जाता है दो तो आदिल एक साथ चल सकते हैं आदिल और अदल एक साथ नहीं चल सकते बहुत मुश्किल होता है इससे फिर कभी हम मदद लेंगे आने वाले दिनों में अगर इस बात तक पहुंचने में कामयाब हुए तो मूसा आलिम है और मूसा की नस्बत खज आलम है इसीलिए शर्त रख रहे हैं कि तहम्मल कीजिएगा मेरे इल्म को बर्दाश्त कीजिएगा और अगर आप बर्दाश्त कर सकेंगे तो ठीक है मैं आपको साथ लेके चलूंगा आपको सिखाता रहूंगा लेकिन अगर कहीं पर आपका पैमाने सब लवरेज हो गया तो फिर मैं आपको आगे नहीं लेके चल पाऊंगा कहा ठीक है मुझे आपकी शर्त कबूल है और आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ बच्चे को पकड़ के मार दिया ये भी विलायत है अभी उससे गलती का जहूर नहीं हुआ और सजा पहले दे दी भली इसे कहते हैं जिसके पास ये खसूसी इख्तियार होते हैं औला भी तसरुफ है हमारी जिस्मों पर और हमारी जानों पर हमसे ज्यादा तसरफ रखता है यही वली है हजरत खिजर ओलिया में से है अलबत्न की वो विलायत नहीं है जो विलायत बयान की गई बच्चे को मार दिया फिर आगे कश्ती में सौराख कर दिया और फिर जो आगे हुआ हर मरतबा जनाब मूसा सिखपा हो जाते कि ये क्या किया आपने और खिजर क्या कहते मैंने नहीं कहा था आपने सब्र करना है कहा अच्छा माजरत बस अब नहीं होगा और फिर, फिर दूसरी मरतबा ती, तीसरी मरतबा जब हुआ तो कहा कि बस हाजिर बीच में जुदाई है जवाब देकर इससे ज्यादा तहमुल नहीं कर सके मूसा उल आजम नी है साहेब शरीय है साहेब किताब है कोई मामूली इंसान नहीं है ऐसी हस्ती की जिसके साथ ओलिल आजम नबी चंद कदम तय ना कर सके ये खेजर है और खेजर जिस हस्ती के सामने जानू है तलम तय करे वो हसन मुशतबा है हसन मुश्तबा है अल्लाह सब मोहतरम है सबका बहुत मकाम है लेकिन उनका मकाम जितना भी हो बहर हाल ये हकीकत है कि जो आने वाले को न पहचान सके वो मोहतदी है और जो आने वाले के हर हर सवाल का बेइन्ही रसूल की तरह से जवाब देते दे, वो महदी है वो ही हादी है सलावाद पढ़ दीजिए खानदान फातिमा पर मा, इन्हें आदि बना के भेजा परवरदिगार ने अनवार हक हकता के कोर में मौजूद थे इस दुनिया में क्यों भेजा किस मकसद के लिए भेजा फलसा इस कायनात में क्या है हमारी हिदायत के लिए हमारी रहबरी के लिए इमाम बना के भेजा इमाम किसे कहते हैं वो जो आगे आगे चलता है और जिसकी हिदायत होती है उसे पीछे पीछे चलाता है ये इमाम और उम्मत का आपस में ताल्लुक है ये इमाम और तशैय का आपस में ताल्लुक है मैंने पिछले साल जो कुछ आदात बयान किए एजाजी मैंने अर्ज किया था कि कुरने मजीद में लफ् इमाम बारह मरतबा है और लफ्स शिया भी बारह मरतबा है और इसकी एक वजह भी अर्ज की थी इसलिए मैं दोबारा तिकरार उसका नहीं करूंगा यानी शीह और इमाम साथ साथ हैं शिया जो आगे गुजर जाए वो भी शिया नहीं है और जो पीछे रह जाए वो शिया नहीं है ये तमाम अल्फाज एक ही खानदान से हैं शिया तशी तशै इनमें वही माने मुश्तरक मौजूद है एक माना शिया किसे कहते हैं जो साथ साथ चले बस अवकात हम कहते हैं अहले तशी मीडिया पे भी अक्सर जब आपकी बात होती है तो क्या बोलते हैं ये अहले तशी।, तशी आप अहले तशी, तशी हैं जी, जी।, जी। या नहीं, नहीं है अगर अहले तशी हैं, तो सलावाद पढ़ें, फिर पता चल जाए इसका मतलब है कि ये बात शुरू करके मैंने गलत नहीं किया बेहतर है कि बच्चों को ये भी पता चल जाए यकीन बुजुर्गो ने नहीं पढ़ी है बच्चों ने पढ़ी है बुजुर्गों की शान अजल है कि वो ऐसी गलती कर जाए आप एहले तशी नहीं है आप एहले तशयो हैं जनाजे के पीछे चलने को तशी कहते हैं तशी जनाजा इमाम के पीछे चलने को तशी नहीं कहते इमाम के पीछे चलने को तशयो कहते हैं आप अहले तशैय है न कि अहले तशी लेकिन तशी हो या तशैय हो दोनों सूरतों में पीछे चला जाता है आगे नहीं बढ़ सकते आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप शिया नहीं है और अगर आप पीछे भी रह जाएं तो भी आप शिया नहीं है मसलन इमाम काफी आगे जा चुका है ये जो आप पढ़ते हैं नमाज, नमाज पढ़ते हैं अभी आपने मगरिब की नमाज पढ़ी है ईशा की नमाज की पढ़ी है जमात के साथ पढ़ी या फुरादा पढ़ी।, पढ़ी ये तो मुमकिन नहीं कि ना पढ़ी हो क्योंकि कुरान फरमा सलात वकुन मिनल मुशरकिन नमाज कायम करो मुशरक ना बनो जो नमाज नहीं पढ़ता है कायम नहीं करता कुरान की निगाह में मुश्क है बस ये तो मुमकिन नहीं है सवाल ये कि फुरादा पढ़ी है या जमात के साथ पढ़ी है जमात के साथ पढ़िए जमात के अहकाम अलग हैं फुरादा, फुरादा के अहकाम अलग हैं वही नमाज जो आप फुरादा पढ़ेंगे उसका हुक्म अलग है और जो जमात के साथ पढ़ेंगे उसका हुक्म और ताकीद है अगर फुरादा नमाज आप अव्वले वक्त में पढ़ें, और जमात देर से हो रही है तो आप अव्वले वक्त में ना पढ़े इंतजार करें अव्वल वक्त अफजल है लेकिन जमात की अहमियत है आप इंतजार करें अगर इमाम जमात जल्दी पढ़ाता है और आप आराम आराम से पढ़ते हैं फिर भी जमात अफजल है फोरादा से आपकी किरात ज्यादा अच्छी है इमाम की किरात इतनी अच्छी नहीं है बस वाजबी हद तक है तो भी बेहतर है तरजीह है कि आप इमाम के पीछे पढ़े और इतना सवाब क्यों इतनी जो ताकीद है नमाज जमात में शिरकत करने की इसका फलसफा क्या है इस्लाम दिन हमत है से उसका उसके वो पुणी पुणी तो अर्ज करता हूँ एक साल आवाज जी खानदान से यह दादा की तरफ चूंकि ये बात बीच में ना रह जाए तो कभी आप फुरादा पढ़ते हैं कभी जमात के साथ पढ़ते हैं और जमात की बहुत ताकीद है मुस्तहब है, है।, है और फिर ये इस्तेहबाब की सतह बढ़ती है। जाती, जाती है, है। मुख्तलिफ मकाम के हवाले से अगर इधर पढ़ेंगे तो कम है और उधर पढ़े तो सबसे कम सवाब जो है वो बाजार की मस्जिद में है और फिर उससे ज्यादा मोहल्ले की मस्जिद में है और उससे ज्यादा फिर जाम मस्जिद में है और फिर मस्जिद गुफा है और फिर इस तरह से मस्जिद नबवी और आखिरी मरहल में मस्जिद हराम है उसका सवाब सबसे ज्यादा है जमात के साथ, साथ। क्यों ज्यादा है क्यों नमाज, नमाज पर नमाज जमात को तरजीह दी गई है ये नमाज जमात है क्या सब फुरादा पढ़े ज्यादा बेहतर है राज करेंगे आखिर नमाज जमात की इतनी ज्यादा ताक़ीद क्यों है इस्लाम में इस ताकीद का फलसफा क्या है इसलिए कि ये मकतब इस्लाम मकतब इमामत उ उम्मत है ये जो आपको नमाज पढ़ाई जाती है और जो आगे खड़ा है और इसको आप इमाम कहते हैं ये मजाजन इमाम कहते हैं और इसे क्यों आगे खड़ा किया गया है ताकि हमारी ट्रेनिंग हो जाए सीख जाए ये मश्क है इमाम के पीछे चलने की आप देख लीजिए कितने वाजिबात हैं नमाज के वाजिबात नमाज कितनी तादाद है तादे तादे। मैं गलत ना कह दूं इसलिए पूछ रहा हूं रहनुमाई कर दीजिए जी? जी।, जी कोई आवाज नहीं आ रही कहीं से ग्यारह है ये ग्यारह वाजबाते नमाज हैं और इन, इन ग्यारह में से पांच, पांच रुकने।, रुकने क्या हुक्म है इनका आम वाजिबात का और अरकान का वाजिबात नमाज ग्यारह है ग्यारह में से पांच रुकने बाकी वाजिबात अगर आप जानबूझ के छोड़ेंगे तो आपकी नमाज बातिल है अगर भूल के छोड़ जाए तो आपकी नमाज सही है लेकिन ये जो पांच रुकन है उन ग्यारह में से इन्हें अगर आप इजाफा कर दें या कम कर दें जानबूझकर कर या भूल कर दोनों सूरतों में आपकी नमाज बातिल है भूल कर भी अगर आप इसमें इजाफा करेंगे रुकन का रुकू दो मरतबा कर दिया ये रुकन में तकरार हो, हो गई इजाफा हो गया, तो गया नमाज बातें तोड़ दीजिए लेकिन अभी आप जमात के साथ खड़े हो जाए ये फुरादा का हुक्म है फुरादा का हुक्म है लेकिन अगर आप जमात के साथ खड़े हैं, हुक्म ये है तोजी में अगर आप मुताला करते हैं यकीन मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं मसाले फिक् कि अकवाल में इमाम की पैरवी लाजिम नहीं है लेकिन अफआल में इमाम की पैरवी लाजिम है यानी अगर जो जिक्र पढ़ा जा रहा है मसलन कुनूत में आप दो आप पहले पढ़ बेशक कभी इमाम ने खत्म ना की हो यह जायज है लेकिन अकवा अफआल में पैरवी लाजिम है आप आगे नहीं निकल सकते इमाम से और पीछे भी नहीं रह सकते इतना लटक लटक के इंसान आराम से जाए इजाजत नहीं है साथ साथ जाए ना पहले जाए, जाए। ना बाद में जाए तवज्जो रखिएगा अगर मेरी पहली बात पहुंची है रुकन की तकरार से नमाज, नमाज बातें हो जाती है बेशक भूल के करें और अब आइए नमाज, नमाज में, में। नमाज जमात में।, में।, में और आप तो इमाम से पहले चले गए पहले चले गए इमाम से रुकू में या सजदे में सजदा रुकने रुकू रुकने कयाम रुकने और रुकने रुकन की तकरार से नमाज, नमाज बातिल हो जाती है अब पहले, पहले, पहले चले, गए। चले गए क्या हुक्म क्या है इंतजार करें वहां पर आप, पर आप या उठ जाए आप रहनुमाई करेंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी और आप शामिल भी हो जाएंगे जी उठेंगे या इंतजार अब मुस्तहदीन में इख्तिलाफ हो गया इतने मुस्तदी नजफ में नहीं है कुम में नहीं है जितने पाकिस्तान में एक फतावा का ना खत्म होने वाला सिलसिला है यहां पर क्योंकि फुकाहा बहुत ज्यादा है।, है तो क्या करे अगर इमाम से पहले चला दादा गया दादागा। उठे दादागा। या इंतजार करे कि इमाम भी आ जाए तो सा, सा, साथ शामिल हो जाएंगे अगर मैं उठा दोबारा आया तो रुकन का तकरार हो जाएगा नमाज़ बातिल हो जाएगी उठे अगर समझते हैं कि उसे उठ जाना चाहिए तो सलावाद पढ़ते खानदान सैदा पर बस एक और कायदा आस्ता कर लेते हैं जो तीन चार दिन बाकी है उनके लिए कि अगर आहिस्ता पढ़ेंगे तो दो सलवाते पढ़नी पड़ेंगी और अगर बुलंद आवाज से पढ़ा करेंगे तो फिर एक ही काफी है तो अगर ये पहले चला गया और इमाम अभी रुकू में नहीं पहुंचे तो फिर इंतजार नहीं करेगा अगर इसने इंतजार किया तो फिर जमात से निकल जाएगा इमाम के पीछे चलना है ये नहीं कि आगे जाके इमाम का इंतजार करे फिर वो इमामत का मफहूम खत्म हो जाएगा ये ट्रेनिंग है नमाज जमात को इसलिए इतनी ताकद है कि सीख ले कि, कि इमाम के पीछे कैसे चला जाता है इमाम से आगे नहीं जा सकता इमाम से पीछे भी नहीं रह सकता साथ साथ चलना है मुनासिब फासला रखे चलना है यहां पर रुकन के तकरार से नमाज बातिल नहीं होगी उठे और जब इमाम जाए अब दोबारा सर झुकाए वही काम जो फुरादा में जिससे नमाज बातिल हो रही थी नमाज जमात में हुक्म बदल गया क्यों यह नमाज जमात हमें सिखाती है कि इमाम के पीछे कैसे चला जाता है इमाम जमात हो यहां से हम सीखेंगे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन वक्त बहुत महदूद है मुझे अफसोस हो रहा है कि वो बात रह जाएगी यह हमें सिखाया जाता है और उसको आगे होना चाहिए उसने लेके चलना, चलना है पिछले साल मैंने अर्ज किया था यह फलसा सलाम क्या है जो नमाज के आखिर में आप सलाम पढ़ते हैं याद है आपको असला तो मैं अराज की तफसीर करते हुए कुछ अर्ज किया था कि नमाज मोमिन की मेराज़ है कैसे है ये क्यों आप हर नमाज के बाद मुसाफे करना शुरू कर देते हैं अब याद आया आपको, अस्टारी आपको। इसीलिए ताकीद है कि इमाम कैसा होना चाहिए सहले हो बाकिरदार हो बाइफ्फत हो मुतकी हो आदिल हो क्यों इसने आपको एक सफर पे लेके चलना है कहीं लेके जाना है इसने आपको इसलिए हर किसी के पीछे नमाज नहीं होती किरदार को देख के फिर उसके पीछे नमाज पढ़ी जाएगी इसने आपको लेके चलना है और आपने इसके साथ साथ चलना है आगे नहीं गुजरना है और जो इमाम पिछलों की मर्जी से चलना, चलना, चलना शुरू कर दे तो वो इमाम, इमाम नहीं है अगर मैं मसलन या मेंबर पे बैठने वाला लोगों की मर्जी से बोलना शुरू कर दे और जो इमामत कर रहा है मेहराब में खड़ा है वो लोगों की मर्जी के मुताबिक चलना शुरू कर दे तो फिर वो इस काबिल नहीं रहेगा जिस दिन खतीब लोगों की मर्जी पे चलना शुरू हो जाए वो उस दिन मेंबर हुसैन पर आने के काबिल नहीं रहता जिस दिन मेहराब में खड़े होने वाला उस्ताद उसमा शेख मोहसिन अली नजफी ने बहुत पहले वो जब, जब मदरसे में होते थे यहाँ इस्लामाबाद में तो दर से अखलाक में उन्होंने जुमला कहा जो दिलो दमाग पर नक्श हो गया कहा कि वो शख्स के जो मेम्बर पे बैठता है और लोगों की मर्जियों का ख्याल रखता है कि ये सुनना चाहते हैं ये पढ़ो इससे खुश हो जाएंगे वो मेम्बर तो बजाए खोद वो लोगों की जूतियों में बैठने की भी सलाहियत नहीं रखता उसको मंबर हुसैन पे नहीं जाना चाहिए किसे जाना चाहिए वो कि जो ना दूसरों की मर्जी पे चले ना अपनी मर्जी पे चले बल्कि सबको अपने साथ लेकर खुदा की मर्जी की तरफ लेके जाए ये मेहराब में जाने की भी सलाहियत रखता है और मिंबर पर आने की भी सलाहियत रखता है असर है कैसा इमाम होना चाहिए आखिर क्या वजह कभी कभी आप अच्छी जगह खड़े हैं आपको बुरा ख्याल आ जाता है और कभी कभी आप बुरी जगह पर हैं आपको अच्छा ख्याल आ जाता है इसकी वजह क्या है कभी आप सैनमे में हैं और एक बेहतरीन पाकिजा ख्याल आ गया बुरे लोगों में है अच्छा ख्याल आ गया कभी आप अच्छी जगह है मस्जिद में मामबारगा में शैतान ने हमला किया बुरा ख्याल आ गया आपको बुराई का सोचना शुरू हो गए इरादा करना शुरू हो गए मसलन समझाने के लिए आप तो इससे बालता नहीं लेकिन ऐसे होता है क्यों क्या वजह है इसकी अमल का असर है अमल, अमल की कौवत अमल की शिद्दत और अमल का जोफ माहौल में और अतराफ में और अकनाफ में असरअंदाज होता है उसका असर जाता है कभी कभी शहर के नजदीक आप एक बेहतरीन खाब देखना शुरू कर देते हैं और कभी कभी एक बुरा ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं क्या वजह है बाकी भी अवामिल हैं उनका इनकार नहीं कर रहा लेकिन एक वजह यह भी है जो अर्ज करने लगा हूं असर है क्यों पाकिजा माहौल में रहने की ताकीद की जाती है क्यों अच्छे माहौल में रहने की ताकीद की जाती है क्यों सही है तो शुक्र अदा कर रहे हैं परवरदिगार तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इस्लामी सरजमीन में पैदा किया इस्लामी सरजमीन में भेजा उस सरजमीन में मुझे रवाना फरमाया मैंने आंख खोली जहां पर अल्लाह की आजान की आवाज गूंज रही क्यों इसका फर्क क्या है इसका इसलिए कि इसमें एक असर है एक इंसान ने इस विशब को उठा तहजद के लिए और जब उसकी नमाज में खुशबू बढ़ता चला गया और प्रवास करता चला गया और उसके अमल में लताफत बढ़ती चली गई खुलूस बढ़ता चला गया तहारत बढ़ती चली गई खुदा से करीबतर होता चला गया तो अब की इसकी ये आवाज़ और इसकी ये सांसें जो फिजा में तहलील हो रही हैं और इसी जो सांसें तहलील हो रही हैं फिजा में फैल रही हैं इसी फिजा में एक दूसरा इंसान जब सांस लेता है तो उसके अंदर भी पाकीजा ख्यालात منتقل होते हैं यह असर है बेशक वो साथ बुरी जगह पर हो लेकिन इस अच्छे अमल का असर ये है इस लतीफ अमल का असर ये है कि इसका वो असर वहां तक पहुंच रहा है और एक बदबद किरदार शख्स है शराब पी रहा है बुरे अमल में مصروف है और उसके जिस्म से जब पसीना खारिज हो रहा है वो बुखारात की शक्ल में तहलील हो रहा है वो फिजा में मुंतकिल हो रहा है ऐसे माहौल में अगर इंसान खड़ा है अच्छी जगह पर उसका असर लेगा क्यों ताकीद की जाती है क्या फर्क पड़ता है इसके पीछे नमाज पढ़ने या इसके पीछे नमाज पढ़ने क्यों मकतबे तशयों में इतनी ताकीद की जाती है कि पाकिजा इंसान के पीछे खड़े हो बाकिरदार इंसान के पीछे खड़े हो आदिल के पीछे खड़े हो मुतकी के पीछे खड़े हो क्यों वही जो मैंने पिछले साल अर्ज किया था मुसाफे का फलसफा तशाद में सलाम का फलसफा इसलिए कि इस इमाम ने आपको कहीं लेके जाना है नमाज कहीं जाने का नाम है नमाज किसी की मुलाकात का नाम है इसमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि ये प्रवास करे और आपको साथ लेके चले अपनी इमामत में किसी ने जब इमाम अली नकी सलाम को रुसवा करना चाह तोहीन करना चाहिए इमाम की बुलाया मदीने से और बुलाने के बाद कहां ठहरा दिया किस जगह ठहराया इमाम की तोहन करने के लिए बेअदबी करने के लिए तीन दिन कहां रखा इमाम को जहां फकीर और भिकारी रहते थे दिन में वो भीख मांगते थे रात को आके रात गुजारते थे इमाम की तोहिन करने के लिए उन भिकारियों के बीच में मांगने वालों के बीच में इमाम को क्याम दे दिया कि यहां पर रुकी ये इमामत है कैसे साथ लेके चलना होता है कैसे हिदायत की जाती है इमाम ने फरमाया अच्छा तूने मेरी तोहिन की है अब अगर यहां पर मैंने एक भी बेकारी छोड़ दिया तो फिर मैं इमाम नहीं हूं लेकिन क्या उसलू चुकी बात अब इस जगह पर आ गई है ये इरादे में नहीं था लेकिन अब अर्ज करके बात को तमाम करूं क्या किया इमाम ने यह नमाज क्या है अगर मुमकिन हुआ तो फिर आने वाले दिनों में नमाज के मुतालिक भी कुछ अर्ज किया जाएगा, जा जाएगा। लेकिन अभी ये एक नुकता, नुकता अर्ज कर क्या है ये नमाज और इमाम किसे कहते हैं और कैसा इमाम हो तो नमाज पर क्या असर पड़ता है एक मरतबा उनको बिठाया कुछ समझाया कहा कि देखो ये तुम्हारे कपड़े बहुत मेले हैं गंदे हैं और ये तुम्हारे जिस्मों पर ये आलूदगी है इमाम ने सबके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया नया लिबास मंगवाया आमादा करवाया कहा कि पहले आप लोग करो, लो, फिर लिबास दिया उनको बेहतरीन तरीके से, कुछ उनको हदिए दिए उनको बेहतरीन खाना खिलाया जब उस कैफियत में आ गए मेहराज पे जाना है क्यों ताकीद है कि बेहतरीन लिबास पहनो नमाज के लिए क्यों ताकीद है कि खुशबू लगाओ कहीं जाना है आप किसी के दफ्तर जाते हैं किसी बड़े से मिलने के लिए बड़े सच संवर के खुशबू लगा के और नमाज के लिए ऐसे ही जाके इंसान खड़ा हो जाए क्यों उस रब्बुल अरबाब की बारगाह में जाना है इसी तरह से इमाम ने पूरा रिवायात में तफसील देखिए बेहतरीन लिबास पहनाया खुशबू लगाई जगह सब मिल के इमाम ने उनके साथ जगह साफ करवाई जहां उनका कयाम था और कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि आज हम मिलकर नमाज पढ़ें ये एक काम किया इमाम अली नकी नकीम ने और कोई भिकारी नहीं छोड़ा जब इमाम निकले तो सारे साथ निकल गए फिर पीछे कोई नहीं बचा था और वो जो तोह करना चाह रहा था खुद रुसवा हो हो, हो हो गया इमाम ने कहा चलो अब जब कि पाक हो हो चुके हो, लिए तुमने कपड़े पहन लिए खुशबू लगा लगा लिए अब आमादा हो जाओ मेरे साथ नमाज के लिए इमाम नमाज के लिए खड़े हुए ये इमाम जिसकी नमाज बहरहाल हाल में अराज और यकीनन में अराज है अब उनको भी इस कैफियत में लेके आ गए थे इस कदर उनकी तबलीग की कुछ वक्त लगा के उनको पाको ताहिर किया और इमाम उसे कहते हैं जो साथ लेके चले कुरान भी हिदायत है और इमाम भी हिदायत है दोनों हादी हैं लेकिन कुरान इराउत तरीक करता है सिर्फ रास्ता दिखाता है इमाम ईसालुल मतलूब करता है साथ लेके चलता है इसे इमाम कहते हैं इसलिए जब नमाज शुरू की ऐसी कैफियत आ गई नमाज में वो इमाम मूसा इमामी जो जिंदा में थे और किसी ने एक खातून को गुमराह करने के लिए भेजा और जिसे गुमराह करने के लिए भेजा था वो खुद हिदायत जाफ्ता हो गई और सर सजदे में रखकर कर सब्बू हन खुद रबुल मलाते व्रूह की आवाजें बुलंद हो रही थी और ये वो भिगारी हैं जिन्होंने इमाम अली नकी नक्कीम के पीछे नमाज पढ़ी शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता जब प्रवास की इमाम के साथ और इसी नमाज में वो कैफियत आई ऐसा रंग पैदा हुआ वहां बारगाह मलकूत में पहुंचे अपने रब के साथ हम हो, हम कलाम होने में कामयाब हो गए और जैसे ही वहां से पलटे अब खुद उन्होंने शर्म महसूस किया और गैर मुनासिब ख्याल किया कि उस रब अरबाब की बारगाह से आकर दुनिया के इन मोहताज बंदों से क्या मांगना जहां इमाम जा रहे हैं पीछे पीछे ये भी चले गए सलाबाद पड़ जे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर ये इमाम है जो साथ लेके चलता है और इमाम के पीछे चला जाता है जो आगे निकल जाए उसे शिया नहीं कहते और जो पीछे रह जाए वो भी शिया नहीं है शिया वो है कि जो साथ साथ चले अगर तशयो को सीखना है कि कैसे इमाम की एता की जाती है और कैसे इमाम के पीछे चला जाता है तो फिर अबुल फजल अब्बास से सीखना चाहिए मैं कुछ और अर्ज करना चाह रहा था लेकिन गुफ्तगु इस नुकते पे पहुंची है यहीं से मैं बढ़ जाऊंगा आगे हजरत के फरजान की मुसीबत की तरफ लेकिन एक जुमला ये अब्बास कौन है कौन है ये अब्बास जहां ये अब्बास अली इब्ने अभी तालिब की दुआ है वहां ये दुआए फातिमा भी है दुआए फातिमा, फातिमा भी है बीबी ने जिंदगी में कुल दो लिबास आमादा किए एक जख्मी होने से पहले एक जख्मी होने के बाद शादी के बाद एक कुर्ता अपने हाथों से तैयार किया था अली अपने अबी तालिब के लिए जब भी जंग के लिए जाते थे इमाम जेरा के नीचे पहनते थे और जब ये ज़रूरत लग चुकी तो उन अयाम में बीबी ने अपने हाथों से कुर्ता सिया किसी बच्चे के लिए तैयार किया कैसा इस्तबाल है कैसी आमदगी है कितना ख्याल है अजीब ताल्लुक है अजीब ताल्लुक है फजल अब्बास का और फातिमा तो जहरा का और दोनों में बहुत सारी कदरें यकसान हैं किस तरह से अली का तहफुज किया किस तरह अली के पीछे चली जहरा इसकी मिसाल नहीं मिलती वो शेयत का एक मजहर है और ये शेयत का दूसरा मजहर है वजूद मुबारक हजरत अब्बास ये कुर्दा तैयार किया जा रहा है विलादत से पहले और जब पैगाम भेजा वन की तरफ और शर्त रख दी कि जब वो राजी होंगी इस अक्स पर तो वरना नहीं वकील तो ने पैगाम दिया, दिया कि पूछे उम्र बनीन से अगर वो राजी, राजी होंगी तब आकद तब होगा और जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया तो क्या दिया? कि मुझे और मुझे मुझे तो कुछ नहीं पता, तो पता। लेकिन जब, जब रात में सो रही थी तो मैंने आलम खाब में एक इंतहाई नूरानी चेहरे वाली खातून को देखा था जो मुझसे कह रही थी कि मुबारक हो आप मेरे बेटे फजल लब्बास की मां बनने लगी हैं ये कैसा ताल्लुक है और जब विलादत हो गई बनीन की गोद से लिया सैदा जैनब ने उठाया सीने से लगाया चूमा और कान में कुछ कहना शुरू कर दिया अली ने पूछा बेटी क्या कर रही है कहा माँ की वसीयत पर अमल कर रही हूं दुनिया से जाती हुई मां ने मुझसे यह कहा था कि बेटी जब आपके भाई अब्बास दुनिया में आए तो उनमें हाथ में उठाकर उनको उनके कान में मेरा सलाम कहना कि मां फातिमा तुझे सलाम कहती थी ये अब्बास है अजीब ताल्लुक है हम आगे बढ़ेंगे लेकिन ये ताल्लुक रोशन हो जाए एक दिन उमल बनीन घर में चल रही है परेशानी की कैफियत में और अली दाखिल हुए और देखा उमुल बनीन को कहा बीबी क्या हुआ क्यों परेशानी की कैफियत में चल रही है कहा कि बहुत देर हो गई अब्बास घर से बाहर गए हैं अभी तक वापस नहीं आए का आ जाएंगे अब्बास अभी छोटे नहीं है क्या नहीं आका मैं ने मदीना से डरती हूं कि कोई मेरे बेटे को गुजान ना पहुंचा दे आप अगर जहामत ना हो तो जाकर मेरे बेटे को कहीं से ढूंढ के ले आइए अली जानते निकले और तो देखा एक कबर के पास बैठकर गिरिया भी कर रहे हैं और जुबान से कुछ कह भी रहे हैं अली करीब चले गए कि अब्बास क्या बातें कर रहे हैं और जब अली करीब गए क्या सुना अब्बास गिरिया करते हुए कह रहे हैं कि माँ मैंने सुना है कि किसी ने आपके दरवाजे को आग लगाई थी मैंने सुना है कि किसी ने आपके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया था मां मैंने यह भी सुना है कि दरवाजे की कील आपके में दाखिल हो गई थी मां मैंने सुना है कि किसी शकी ने आपके रुखसार पर तमाचा मारा था मैंने सुना है कि किसी ने आपके हाथों पर ताजियाने मारे थे माता तुम्हें पूछता कि दुश्मन को यह जरूरत कैसे होती है अली आगे बढ़े अपने फर्जन को सीने से लगाया का अब्बास यहां कैसे आ गए का मैं घर में था तिलावत कुरान में मसरूफ था और मुझे मुसलसल बकी से आवाज आने लगी कि मेरे बेटे अब्बास मेरे करीब आ जाओ मैं नजदीक से तुम्हारी खुशबू को महसू ये अब्बास हैं जो सरापा वफा हैं ये अब्बास हैं जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया हुसैन इब्ने अली पर सब कुछ कुर्बान कर दिया सब कुछ कुर्बान कर दिया और अब हाथ बांधे कमाल अदब से हुसैन के सामने खड़े हैं और बड़ी उम्मीद भरी नजरों से हुसैन के चेहरे की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं आका इजाजत दे दीजिए मेरे बेटे को मैदान जंग में जाने के लिए सईदा ने फरमाया अब्बास में कब तक उमुल बनीन के घर को उजड़ते हुए देखूं अब्बास आपके तीन भाई पहले शहीद हो चुके हैं आपका बेटा अभी कमसिन है रिवायतों में कि या नौ साल उम्र है या ग्यारह साल उम्र है अब्दुल्ला की और अब्बास बार बार इ कर रहे हैं कि मेरे बेटे को मैदान जंग में जाने की इजाजत दे दें। बड़ी मिन्नत के बाद अबुल फजल अब्बास के अबुलजल को मैदान जंग में जाने की इजाजत मिली अब्बास ने अपने हाथों से अपने बेटे को तैयार किया सन इतना छोटा है कि घोड़े पे सवार नहीं किया पैदल रवाना किया और जब तलवार हमारे की तो वो तलवार करबला की जमीन पर खत खींच कर जा रही थी अब्दुल्ला ने कुछ कदम तय किए या फजल अब्बास ने कहा बेटा मेरी एक वसीयत सुनते जाओ बेटा पहली मर्तबा मैदान जंग में जा रहे हैं अभी जब आप मैदान जंग में जाएंगे सामने से दुश्मन की तलवारें होंगी आपको जख्म लगेंगे खून बहेगा बेटा आपको तकलीफ होगी लेकिन जब आपको तकलीफ पहुंचे तो आपने भाग कर खयाम की तरफ नहीं आना और यह जहन में रखना कि आप अली अपने अभी तालिब के पोते हैं आपने अली की शुजात दिखानी है अबुल फजल अब्बास के फर्जंद मैदान जंग में पहुंचे और दुश्मन ने ख्याल किया कि बच्चा है एक एक करके भेजा और जो भी आता है लम्हों में अब्बास के फर्जंद उसको खत्म कर रहे हैं और जब दुश्मन ने महसूस किया कि ये बच्चा एक एक फर्द को इस तरह से मारता रहेगा तो बहुत सारे अफराद ने मिलकर हमला किया और जब मिलकर हमला किया तो हजरत के फर्जंद अपने आप को संभाल ना सके और काफी जख्म लगे तो गिरे और अजीब बात है कि जब गिरे तो खयाम की तरफ रुख नहीं किया बल्कि नजफ की तरफ मुंह करके कहा कि बाबा मैं दुनिया से जा रहा हूं सलाम आखिर कबूल कर लीजिए अबुल फजल अब्बास बहुत तेजी से अपने बेटे की लाश पर पहुंचे और एक अपने बेटे को उठाना चाहा बेटे की लाश को उठाना चाहा हुसैन इबने अली का हाथ अब्बास के कंधे पे आ गया और फरमाया कि अब्बास कभी यह भी देखा है कि, कि किसी बाप ने अपने बेटे की लाश उठाई हो अब्बास पीछे हट जाओ तुम्हारे बेटे की लाश को मैं उठाऊंगा मैं कहूंगा या हुसैन इब्ने अली आप अबुल फजल अब्बास को बेटे की लाश नहीं उठाने दे रहे लेकिन कल जब अली अकबर की लाश होगी